वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं फिर से प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो लाई हूँ और इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल कंसीव किया है। ये नुस्खा हमारी दादी माँ भी अपनाती थी और जो बुजुर्ग महिला थी वो भी अपनाती थी और कई हद तक ये सच भी निकलता था। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी लेडीज़ जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके और फैमिली के दिमाग में सब चलने लगता है कि आने वाला बेबी क्या होगा। जिसको पहले से बेबी बॉय होता है तो उसको लगता है बेबी गर्ल हो जाए, या जिसको पहले से बेबी गर्ल रहता है तो उसको लगता है बेबी बॉय हो जाए, और जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी रहती है तो उसको भी एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आने वाला बेबी क्या होगा। तो ये वीडियो से मैं आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए बना रही हूँ कि आप भी एक गेस कर सकते हैं कि आने वाला बेबी आपका क्या है। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देख के आपने जान लिया होगा कि किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, 80% आप पेट देख के एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आने वाला बेबी क्या होगा। फ्रेंड्स, कई लोगों का देखा है और मैंने खुद का भी अपना एक्सपीरियंस किया है कि अगर जब आपकी बेटी आपने कंसीव किया होगा तो आपका पेट एकदम गोल आकार का होगा, मतलब कि पूरा एकदम गोल बराबर होगा, एक मटके के आकार का आप कह लीजिए कि हो सकता है एकदम पूरा गोल, और थोड़ा सा आपको पेट देखने में बड़ा लग सकता है फ्रेंड्स। और पीछे से भी अगर कोई आपको बैक साइड से भी देख रहा है तो वो भी एक एक गेस कर सकता है कि ये लेडीज़ प्रेग्नेंट है। और वहीं बात करें अगर बेबी बॉय होने की, तो बेबी बॉय के टाइम पे क्या होता है फ्रेंड्स, कि पेट से बीचों बीच निकलता है, एकदम से सामने तरफ रहता है और नीचे तरफ झुका होता है, मीन्स की साइड साइड गैप होता है, एक आप कह लीजिए कि अंडे के आकार का होता है। जैसा आपका अंडा होता है, मतलब कि सामने तरफ निकला हुआ होता है गोल, उसे आप नहीं कह सकते हैं। तो वैसा अगर आपका पेट है और नीचे की साइड झुका हुआ है और सिर्फ बीच में ज़्यादा उभरा हुआ है तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। और फ्रेंड्स, बेबी बॉय का पेट अलग ही समझ में आता है, ये 80% सच होता है। जब मेरी बेटी मैंने कंसीव किया था तो मेरा पेट एकदम गोल था, थोड़ा सा बड़ा था आकार में और पूरा एकदम फ्लैट था, बराबर था। लेकिन जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था तो मेरा पेट एकदम अंडे के आकार का सिर्फ सामने और निकला हुआ था और साइड साइड में गैप नज़र आ रहा था। तो ये फ्रेंड्स, ये सिम्टम 80% सच होते हैं, 20% फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है, वो ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड होता है और डिलीवरी होने के बाद ही पता चलता है। लेकिन आप 80% आप श्योर हो सकते हैं इस बात को लेके। तो फ्रेंड्स, आप अगर आपके अगल बगल भी कोई प्रेग्नेंट है या आपके फैमिली में प्रेग्नेंट है तब भी आप देख के एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और बेबी गर्ल के टाइम पे क्या होता है कि हमारा पेट जल्दी दिखने लगता है, मीन्स कि बेबी गर्ल के टाइम पे आपका फोर्थ मंथ में ही आपका पेट समझ में आने लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो। लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, आपको मतलब 6 या 7 मंथ में ही समझ में आता है, थोड़ा लेट से समझ में आता है। और जो आपके पूरे बॉडी का है, बॉडी का आकार पूरा बढ़ता नहीं है। जैसे कि बेबी गर्ल में क्या होता है कि आपका फेस भी एकदम से मतलब अच्छा हेल्दी दिख रहा है, आपके हाथ पैर भी अच्छे हेल्दी दिख रहे हैं, आप पहले से थोड़ा सा हेल्दी दिख रहे हो। लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे आप देखोगे फ्रेंड्स कि जो भी बदलाव हुआ है वो सिर्फ पेट के आकार में हुआ है, आपके हाथ पैर आपके फेस पूरा जैसे पहले था वैसे ही है, मीन्स कि
जो आप कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रेगनेंसी में हमारे पूरे सूट हो जाते हैं, जो भी पहले के रहते हैं वो हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि नहीं होते। इसका रीज़न यही है कि कई बार क्या होता है कि हमारा पूरा जो बॉडी होता है वो अच्छा ग्रोथ कर जाता है, अच्छा हेल्दी हो जाता है, कई बार होता है हमारा सिर्फ पेट बस बाहर आता है, तो ये भी सबसे बड़ा रीज़न है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।